भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहले दिन 255 मामले दर्ज किए गए। ये जानकारी यूपी पुलिस ने दी है। बीएनएस 2023 लागू होने के बाद सोमवार रात 8 बजे तक 255 प्राथमिकियां और 28 गैर असंज्ञेय अपराध के मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पहली एफआईआर अमरोहा में 9:51 पर दर्ज की गई। इसके बाद बरेली में 10:17 पर एफआईआर दर्ज किया गया। अमरोहा के राह पुलिस थाने में सबसे पहले एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में 48 वर्षीय किसान जगपाल सिंह उर्फ मंगला की मौत भी हो गई। बिजली के झटके लगने से उनकी मौत हो गई थी। इस बीच डीजीपी ने कहा, सभी स्थानों पर एफआईआर दर्ज करने का काम सुचारू रूप से चल रहा है। पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशों के अनुसार नए कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं, जिसमें प्रक्षेपण शामिल है। वहीं आपको बता दें, दूसरे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, इतिहास रचा जा रहा है। अमरोहा जिले का रहरा थाना उत्तर प्रदेश में नए भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने वाला राज्य पहला पुलिस थाना बन गया। बीएनएस के तहत राजवीर उर्फ राजू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ धारा 106 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रदेश पुलिस के मुताबिक अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र स्थित ढकिया गांव निवासी संजय सिंह द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे और आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने उनके खेत में बिजली का तार बिछा दिया था। इसमें कहा गया कि उनके पिता जगपाल जब सुबह करीब 6:30 अपने खेत पर गए तो उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। 100 न्यूज़ की रिपोर्ट।